welcome you all to today's video. In the last video, we had discussed problems on monohybrid and dihybrid process. Today also, we will discuss few problems on the same. This is the continuation part of the last video. I suggest you all to go through that video as well as the practice video of monohybrid and dihybrid process. Let's start here. Capital Y, capital R is dominant yellow seed color and round seed shape trait. And small y, small r is recessive green seed color and wrinkled seed shape. So capital Y ho gaya hamara yellow, capital R ho gaya round, small y ho gaya green color seed shape, small r ho gaya wrinkled. A true breeding yellow round female is crossed with true breeding green wrinkled male. इस लाइन का मतलब है, क्वेश्चन में अगर ऐसा लाइन होगा तो इसका मतलब है कि उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है. ट्रू ब्रीडिंग मतलब येलो के लिए भी दोनों वाई कैपिटल होंगे, राउंड के लिए दोनों आर कैपिटल, वैसे ग्रीन के लिए दोनों वाई स्मॉल और रिंकल के लिए दोनों आर स्मॉल होगा. क्वेश्चन में है 3640 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्रॉस, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स. तो हमें ग्रीन रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स पता करना है. हमें ऑफस्प्रिंग का क्या दिया है, यहाँ पर फिनोटाइप दिया है. ये क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का. इसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद होना चाहिए 9:3:3:1. ये हमारा इसका फिनोटाइपिक रेशियो है. हमें पूछा है कि कितना ग्रीन रिंकल्ड इसमें से है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच करने के लिए एक ट्रिक है कि अगर होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग है तो हमेशा आप ये ध्यान में रखेंगे कि 9 होगा येलो राउंड और 1 होगा ग्रीन रिंकल्ड और ये 3 होगा येलो रिंकल्ड और ये वाला 3 होगा ग्रीन राउंड. ये बात ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्रॉस करने की जरूरत नहीं. जो ये वाला है वो जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका फिनोटाइप होता है 9, जो रिसेसिव पेरेंट है उसका फिनोटाइप होता है 1 और ये बीच के हैं इन दोनों का मिक्स, तो येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड. तो हमें पूछा है ग्रीन रिंकल्ड, तो येलो राउंड है 9, ग्रीन रिंकल्ड है 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 बाय टोटल, इसको सम कर देंगे तो ये हमारा सम है 16, 1/16 × 640, ये है हमारा आंसर. तो 16 × 4 = 64, हमारा आंसर है 40. तो 40 ऑफस्प्रिंग्स का ग्रीन रिंकल्ड फिनोटाइप है. इसी तरीके इसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया हो येलो राउंड कितने हैं, येलो राउंड कितने हैं, तो मैंने आपको बताया जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो डोमिनेंट पेरेंट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो रिसेसिव पेरेंट होगा और ये उन दोनों का मिक्स होगा. तो अभी हमें पूछा है येलो राउंड, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 9/16 × 640 टोटल ऑफस्प्रिंग्स थे. इस तरीके से अगर पूछा होगा येलो रिंकल्ड तो 3/16 होगा, अगर पूछा होगा ग्रीन राउंड तो भी 3/16 होगा और जो क्वेश्चन था हमारा वो तो था ग्रीन रिंकल्ड, तो वो तो पता ही है 1/16. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटरोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस टॉल, परसेंटेज ऑफ हेटरोजाइगस टॉल इन द प्रोजिनी वुड बी. हमें पूछा है हेटरोजाइगस टॉल प्रोजिनी में कितने होंगे, तो यहां पर क्या करेंगे हम, क्या इसके गैमेट्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. हमें पूछा है हेटरोजाइगस टॉल का कितना परसेंटेज होगा. ऑप्शन में है 25%, 50%, 75% एंड 100%. तो यहाँ पर देखिए हेटरोजाइगस टॉल है, ये क्या है, ये टॉल है लेकिन ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेटरोजाइगस टॉल है, ये हेटरोजाइगस टॉल है. तो हमारा आंसर कितना होगा 50%. अब लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. इन माउस नॉर्मल पिगमेंटेशन इज ड्यू टू डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल आर एंड एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द रिसेसिव फैक्टर स्मॉल आर. अगर माउस का स्किन कलर नॉर्मल होगा तो उसके जीनोटाइप में एक ना एक कैपिटल आर प्रेजेंट होगा ही होगा. अगर माउस एल्बिनो है, एल्बिनो मतलब उनके स्किन का नॉर्मल कलर लॉस हो गया है, तो वो होगा एक रिसेसिव एलील स्मॉल आर की वजह से. क्वेश्चन के इतने यहां तक के डेटा से ये पता चलता है कि कैपिटल आर डोमिनेंट होने की वजह से एक भी अगर प्रेजेंट हो जीनोटाइप में तो स्किन का कलर नॉर्मल हो जाएगा. अब क्या बोल रहे हैं, ए नॉर्मल माउस इज क्रॉस्ड विथ एन एल्बिनो. तो
तो यहाँ पर एक नॉर्मल माउस को एल्बिनो से क्रॉस किया गया है और बोला गया है द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग इज एन एल्बिनो. तो हमारा जो F1 है उसमें जो पहला उनका F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है वो एक एल्बिनो है. इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एज वेल एज द ऑफस्प्रिंग. तो नॉर्मल पेरेंट का जीनोटाइप दो वैरायटीज, दो हो सकता है चांसेस. एक हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल आर. क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं है कि जो नॉर्मल पेरेंट है वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, वो हमें पता करना है. और आपको मैंने अभी बताया कि कैपिटल आर एक कॉपी होने से भी क्योंकि वो डोमिनेंट है तो नॉर्मल पिगमेंटेशन हो जाएगा. लेकिन एल्बिनो माउस का जीनोटाइप आपको पता है कि स्मॉल आर ही होगा क्योंकि रिसेसिव एलील तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है. तो हमारे पास नॉर्मल के दो चांसेस हैं और एल्बिनो के एक ही हैं. तो हम दोनों चांसेस को लिखते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके, आंसर आ सके हमारा. तो ये दो प्रोबेबिलिटी है. अब इनके F1 जनरेशन को हम फिनोटाइप निकालेंगे जिससे हमें पता है कि एल्बिनो है. जिस भी केस में F1 में एल्बिनो होगा वो हमारा आंसर होगा. तो कैपिटल आर स्मॉल आर से गैमेट्स हो गए अलग. कैपिटल आर स्मॉल आर इससे है ये हमारे गैमेट्स यहाँ पर क्रॉस. पुनेट स्क्वायर बना रही हूँ मैं. पहला ऑफस्प्रिंग है कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा ऑफस्प्रिंग है स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर है स्मॉल आर. अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर गैमेट्स अलग अलग कर दिए. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. अब देखिए हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर निकालते हैं. कैपिटल आर एक भी कॉपी में होगा तो वो नॉर्मल होगा. ये नॉर्मल है, देखिए ये भी नॉर्मल है. लेकिन यहाँ पर एक भी कैपिटल आर नहीं है और स्मॉल आर होमोजाइगस में है तो ये क्या होगा, एल्बिनो. ये भी होगा एल्बिनो. लेकिन यहाँ देखिए ये वाला नॉर्मल होगा पेरेंट, ये भी नॉर्मल सॉरी ऑफस्प्रिंग, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल. तो क्वेश्चन में क्योंकि दिया है कि F1 उनका पहला ऑफस्प्रिंग जो है वो एल्बिनो है तो ऐसा अगर चांस है अगर जीनोटाइप होगा पेरेंट का तो एल्बिनो एक भी नहीं निकलेगा. ऐसा होने से ही एल्बिनो ऑफस्प्रिंग बन सकता है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पीकॉक्स द अबिलिटी टू डांस फास्ट इज ए डोमिनेंट ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी इन क्वेश्चन. नंबर ऑफ आई स्पॉट्स इन फेदर इज ऑल्सो इनहेरिटेड. आई स्पॉट का मतलब ये देखिए ये एक फेदर है पीकॉक का, ये जो है ये वाला है आई स्पॉट. जितना आई स्पॉट होता है उतना बेटर होता है पीकॉक्स के लिए. तो नंबर ऑफ आई स्पॉट्स इन फेदर्स इज ऑल्सो इनहेरिटेड जिसका रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में दिया है कैपिटल ई. इवन नंबर दैट इज कैपिटल ई इवन नंबर है इज डोमिनेंट ओवर ऑड नंबर ऑफ आई स्पॉट्स. तो कैपिटल ई हो गया इवन नंबर ऑफ आई स्पॉट्स, स्मॉल ई हो गया ऑड नंबर ऑफ आई स्पॉट्स. फास्ट डांसिंग का ट्रेट कैरेक्टर है कैपिटल डी की वजह से और स्लो डांसिंग का ट्रेट है स्मॉल डी की वजह से. क्रॉस ए हेट्रोजाइगस फास्ट डांसिंग होमोजाइगस इवन आई स्पॉट. तो हेट्रोजाइगस फास्ट डांसिंग कैपिटल डी की वजह से हेट्रोजाइगस फास्ट डांसिंग बोला है तो हेट्रोजाइगस फास्ट डांसिंग इस तरह से होगा. होमोजाइगस इवन स्पॉट, होमोजाइगस इवन आई स्पॉट इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा. विथ ए होमोजाइगस फास्ट डांसिंग तो कैपिटल डी होगा होमोजाइगस फास्ट डांसिंग. ऑड नंबर आई स्पॉट तो ऑड नंबर क्या है, रिसेसिव है. तो अगर ऑड नंबर आई स्पॉट दिया है तो उसका जीनोटाइप का चांस एक ही हो सकता है, मतलब होमोजाइगस ही रहेगा. तो क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं पहला बिट तो उसे बार बार पढ़ने से हमें जीनोटाइप पेरेंट का मिल गया. अब क्वेश्चन है फाइंड द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. इससे कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे वो देखते हैं. तो एक होगा कैपिटल डी, कैपिटल ई के साथ जा सकता है और फिर कैपिटल ई इसी कैपिटल ई के साथ जाएगा तो लिख लिया मैंने एक ही बार लिखने से चलेगा. अब देखेंगे स्मॉल डी कैपिटल ई के साथ जाएगा, फिर वही स्मॉल डी कैपिटल ई के साथ, इतने ही चांसेस हैं इस पेरेंट से गैमेट्स बनने के. अब इस पेरेंट से जो गैमेट्स बनेंगे उसका एक ही चांस है कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई के साथ, ये वाला कैपिटल डी इस वाले स्मॉल ई के साथ, ये वाला कैपिटल डी इस वाले स्मॉल ई के साथ निकल सकता है गैमेट बन के, या ये वाला कैपिटल डी इस वाले स्मॉल ई के साथ. तो एक ही लिखने से काम बन जाएगा हमारा. अब इन्हें क्रॉस करते हैं हम, कैपिटल डी स्मॉल ई
स्मॉल डी कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई क्रॉस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग होगा कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये हमारे ऑफस्प्रिंग है एफ वन के। अब फिनोटाइप बोला है तो कैपिटल डी डोमिनेंट है फास्ट डांसिंग, तो ये फास्ट डांसिंग है और आई स्पॉट्स इवन नंबर है इसके, जो कि अच्छी बात है उस पीकॉक के लिए। ये भी फास्ट डांसिंग है और ये भी इवन नंबर ऑफ आई स्पॉट है, तो ऑल द एफ वन ऑफ स्प्रिंग्स आर फास्ट डांसिंग विथ इवन नंबर ऑफ आई स्पॉट्स इन फेदर्स। क्रॉस ए होमोजाइगस फास्ट डांसिंग, तो होमोजाइगस फास्ट डांसिंग तो कैपिटल डी विथ होमोजाइगस इवन स्पॉट फेदर, इवन आई स्पॉट का होमोजाइगस बोला है, विथ ए स्लो डांसिंग, तो स्लो डांसिंग तो कैपिटल स्मॉल डी की वजह से ही होगा क्योंकि रिसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, एंड ऑड आई स्पॉट फेदर्ड, तो ऑड आई स्पॉट किस वजह से आएगा, स्मॉल डी स्मॉल की वजह से ही आएगा। तो ये हमारा पेरेंट्स का जीनोटाइप निकल गया, ये एक क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस है। आप इसे जैसे मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस येलो राउंड और ग्रीन रिंकल का करते हैं उसी तरह से इसे फॉलो करेंगे तो एफ वन और एफ टू में रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी घुमाया फिरा हो, लेकिन उसमें ही सारे हिंट्स हैं, आपको काम करना है तो शांति से उसे पढ़ना है और आंसर निकालने की कोशिश करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। आने वाले वीडियोस में जेनेटिक्स के और भी टॉपिक्स को मैं एक्सप्लोर करूंगी, उसे ज़रूर देखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड भेज सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।